व्हाट्स अप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ेन, यू आर वॉचिंग HTREX। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, इन्जॉय कर रहे होंगे। और जिस वीडियो पे हम रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल कुछ ऐसे है कि इंडियन नेवी ने 19 पाकिस्तानियों को बचाया और फिज़ा बोली जय हिंद। तो मुझे वैसे उम्मीद तो नहीं है फिज़ा ने ऐसा कुछ कहा होगा, ये वर्बल फ्रेज़ हो सकता है, क्योंकि फिज़ा के मुँह से फ्रेज़ नामुमकिन। और ये वीडियो हम कवर भी कर चुके हैं, ये न्यूज़ जो है 19 पाकिस्तानियों को जो सेव किए और 17 ईरानियन थे सोमालिया के करीब, ये हमने कवर किया है। तो इट्स जस्ट लाइक IML के पर्सपेक्टिव से हम ये वीडियो करने वाले हैं, तो पहले देख लेते हैं फिर बातें करेंगे। तो शुरू करते हैं 3-2-1 एन। दुनिया की नंबर वन आर्मी है, नाकाबिले शिकस्त है, हर वक्त अंदरूनी और बैरूनी साजिशों का सामना कर रही है। और INS सुमित्रा ने 19 पाकिस्तानियों को समुद्र में रेस्क्यू किया है। इंडियन नेवी ने 19 पाकिस्तानियों को बचाया, बहुत बढ़िया। आज पूरी कौम मिली जोशो जज्बे से यौमे दिफा मना रही है। जब हेल की आवाज जो है इंडियन नेवी तक पहुंची तो वो अपने बहरी जंगी जहाज के साथ वहां पर पहुंचे, 19 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया और उन्होंने सबको ये नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान को बचाया। ये हमें फख्र है इस पर। भारत देश की आर्मी के जो जुनून जज्बे और वीरता और साहसी कारनामों को देख के दुश्मन मुल्क पाकिस्तान भी नतमस्तक हो गया। इंडियन नेवी इस पूरे एरिया में, आपके लाल सागर के एरिया में और पूरे इस गल्फ के एरिया में इंडियन नेवी ने अपनी धाक जमा दी है। हाँ भाई हाँ। इंडिया की नेवी जो है वो काफी तरक्की कार की है। वाह भाई वाह। हमारी जो है वो उसमें बहुत ज्यादा कमियां कितनी हैं। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इनको दुश्मन समझते हैं लेकिन उन्होंने दुश्मनी वाला काम नहीं किया, उन्होंने दोस्ती वाला काम किया है। सबको बचाने का काम इंडियन नेवी ने कर रखा है, सबको। इंडियन नेवी ये नहीं पूछता अच्छा तुम पाकिस्तानी हो, भागो यहाँ से, नहीं, सबको बचाया है। इंसानियत की बात करते हैं, इंडियन नेवी वहाँ पे, इंडियन नेवी खड़ी है। मैं उनको फ्रीडम फाइटर कहूंगी सबके सामने, क्योंकि मेरी अपनी राय है और मैं अपनी राय पे बड़ी कॉन्फिडेंट हूँ। एक पढ़ा लिखा इंडियन और एक पढ़ा लिखा पाकिस्तानी कभी एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। उन्होंने ये काम जो किया है ये उन्होंने पाकिस्तान की तरफ एक मोहब्बत बड़ा हाथ बढ़ाया है, ठीक है। और हमने अपने बच्चों को ये सबक, ये सलाहियत नहीं देनी चाहिए कि जी इंडिया गलत है या इंडिया बुरा है। हमारे देश के वीर नौजवानों ने पाकिस्तानी 19 मछुआरों को बचाया और समंदर में मछलियां पकड़ने गए थे सोमालिया के डाकुओं ने पकड़ लिया, फिर भारतीय नौसेना उन पाकिस्तानी मछुआरों को बचा के लाई है। भारत अब एक महाशक्ति के तौर पर उभर रहा है। अब लोगों को इस बात की समझ नहीं है कि दुश्मन दुश्मन करके हमने अपना बेड़ा गर्क कर लिया है, कौम अब जाग चुकी है। तो इनकी नंबर वन आर्मी कौन से बिल में छुप गई थी जब इनके मछुआरों को पकड़ा गया था? और ये भारत की दयालुता है, मानता है ये कि 19 मछुआरों को बचा लिया, ये जानते हुए भी कि पाकिस्तानी है। और ये पाकिस्तान की सरकार इतनी निकम्मी, बेशरम, बेगैरत है कि इसने अभी तक भारत सरकार को, भारत की सेना को थैंक यू नहीं बोला। थैंक यू बोल देंगे तो इनकी गैरत गिर जाएगी। के बेशरम लोग है ये, इनके 19 लोगों को बचाया हमारी सेना ने, 19 लोगों को। तो इसी टॉपिक पे देखते हैं पाकिस्तानी लोगों का क्या रिएक्शन है। तो बिना देर के चलते पाकिस्तान। मैं तो इसमें यही करूंगा कि देखें हम जिनको दुश्मन समझते हैं लेकिन उन्होंने दुश्मनी वाला काम नहीं किया, उन्होंने दोस्ती वाला काम किया है। और ये उन्होंने बचा के पाकिस्तान के लिए उन्होंने एक मोहब्बत भरा हाथ बढ़ाया है और उन्होंने एक हमें ये सबूत दिया कि हम आपके दुश्मन नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। तो पाकिस्तान भी इंशाल्लाह उनके साथ खड़ा है, कहीं भी मुश्किल होगी तो पाकिस्तान पहले भी उनके साथ था, आप भी उनके साथ। मैं तो उनकी आर्मी का, उनकी फौज का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ जिन्होंने बचाया, ठीक है ना। अगर वो ना बचाते तो जारी कल ये मामला मजीद नफरत की तरफ जाना था, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और मैं तो समझता हूँ कि इसमें पूरे पाकिस्तान के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है, ठीक है ना। सर हम भी बहुत खुश हैं, देखिए हमारे हर बच्चा कहता है इंडिया बुरा, हम अपने बच्चों को नफरत सिखाते हैं। उनकी नेवी अगर ना बचाती तो जायज भी था भाई, दुश्मन है जाने दो, लेकिन उन्होंने इंसानियत को बचाया, पाकिस्तान को नहीं, उन्होंने इंसानियत को बचाया। तो वो इंसानियत से मोहब्बत करते हैं और हम अपने बच्चों को, पूरे पाकिस्तानियों को इंसानियत से नफरत का पैगाम देते हैं, स्पेसिफिकली इंडिया से नफरत का पैगाम। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए मैम, जैसे आप बात कर रहे हैं कि उन्होंने ये काम जो किया है ये उन्होंने पाकिस्तान की तरफ एक मोहब्बत बड़ा हाथ बढ़ाया, ठीक है ना। और हमने अपने बच्चों को ये सबक, ये सलाहियत नहीं देनी चाहिए कि जी इंडिया गलत है या इंडिया बुरा है। अब देखे जो उन्होंने काम किया ये पाकिस्तान की तरफ उन्होंने एक पहला हाथ बढ़ाया, ठीक है ना, एक मोहब्बत बड़ा हाथ है और इसमें हम नफरतें खत्म होंगी, मजीद करीब होंगे हम। तो पाकिस्तान पहले भी इंशाल्लाह उनके साथ था किसी मुश्किल घड़ी में, अब भी कोई मामला बनेगा तो पाकिस्तान उनके साथ है इंशाल्लाह। बातें तो बड़ी अच्छी कर रहे थे अंकल कि पाकिस्तान उनके साथ है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, देखें जस्ट सपोज इंडियन आर्मी को जब डिस्ट्रेस कॉल ये मिली और वो ना बचाती और वो कहती भाई हमारा मसला थोड़ी है ना, हमारे मछुआरे, मतलब हम क्यों बचाएं, ना हमारा वैसल ना हमारे मछुआरे,
तो मतलब क्या ही कहा जा सकता था, कोई मतलब वो मजबूरी तो नहीं थी या हमने कोई एहसान तो नहीं किया भाई इंडिया पे कि वो हमें फेवर रिटर्न कर रहा था। तो ये एक ऐसी चीज़ होती है जिससे एक जेस्चर्स होते हैं, छोटे छोटे जेस्चर्स होते हैं। हम ये देखते हैं कि हम हर बड़े इवेंट्स पे, दिवाली हो या ईद हो, बॉर्डर्स पे ना सोल्जर्स वो मिठाई एक्सचेंज करते हैं। तो पहले लगता था कि हाँ यार शायद ये मिठाई बांटने से शायद कोई आपस में ताल्लुक अच्छे हो जाए, लेकिन ऐसा दिखता नहीं था। और हमें काइंड ऑफ लगता था कि यार ये बस एक रस्म चलती हुई आ रही है, तो वो भी जस्ट फॉर्मेलिटी और यहाँ वाले भी जस्ट फॉर्मेलिटी। लेकिन ये एक्चुअल जेस्चर्स होते हैं, ये करना कि बाकायदा जो है ना मदद करना जाके, और पूरा एक मतलब अगर एक वेसल इंडियन आर्मी का वहाँ पे फिर रहा था और उनको अगर पता लगा तो उन्होंने उस चीज़ पे एक्शन लिया, सोचा नहीं, या ये नहीं कहा कि ठीक है हम ये खबर जो है ना पाकिस्तान तक पहुँचा देते हैं वो जाने और तुम जानो, या ईरान को पहुँचा देते हैं वो जाने तुम जानो। उनका कोई सिटीज़न नहीं था, स्टिल उन्होंने हेल्प की। तो मैं ये समझता हूँ वो तमाम लोग जो हेट फैलाते हैं या बुरा भला बोलते हैं, वो अब कहाँ पे हैं, वो इस पे क्या कहेंगे, क्या कमेंट करेंगे, मैं ज़रूर सुनना चाहूँगा। क्योंकि एक आम पाकिस्तानी या एक पढ़ा लिखा या एक सेंसिबल आदमी जो है ना, वो इस पे ना सिर्फ थैंक यू बोलेगा बल्कि कहेगा कि ये चीज़ एक दोस्त ही कर सकता है किसी के लिए। आप इस पे क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।